आप सबको जो है विलेज कुकिंग रियल फ्लेवर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अंडे और सोयाबरी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाने वाले हैं, तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हम लोग क्या क्या लिए हैं। हम सोयाबरी अंडे रेसिपी बनाने के लिए सोयाबरी 200 ग्राम लिए हैं, दो अंडे लिए हैं। यहाँ पर मसाले में प्याज लहसुन अदरक सब कुछ एक साथ बाट दिया है। चावल का आटा लिए है, नमक लिए है, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काला मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची पाउडर और सरसों का तेल और तलने के लिए ये रिफाइन का तेल लिए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हम पानी को थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म पानी में सोयाबीन को थोड़ी देर उबाल लेंगे। पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब यहाँ पर सोयाबरी को डाल देंगे। 2 मिनट तक ऐसे चलाएंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। 2 मिनट हो गया है, अब निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी ठंडा पानी डालेंगे और अच्छे से निचोड़ लेंगे। अभी हम अंडे, चावल के आटे और सारे पाउडर मसाले को मिलाएंगे। अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारा तेल को गर्म कर लेंगे। अभी सोयाबरी को तल लेंगे। अभी सब्जी बनाएंगे, तो हम पहले मसाले को पकाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अभी मसाले को डालेंगे। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, अब यहाँ पर हम पानी डालकर उबालेंगे। जैसे ही पानी उबल जाएगा सोयाबरी को डाल देंगे। पानी हमारा उबल गया है, अब यहाँ पर हम सोयाबरी को डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। सब्जी हमारा बनके तैयार हो गया है, अभी उतार देंगे। हमारा सोयाबरी की रेसिपी बन के तैयार हो गया है। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो
चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और एक नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।